नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूँ विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो नया सिलेबस जारी किया है जिसके तहत हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमने कक्षा 9 का वीडियो अभी तक नहीं बनाया है। यानी कक्षा 9 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने पार्ट कम किए गए हैं, तो इसका कक्षा 9 के लिए पहला वीडियो है। तो इसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे हिंदी अनिवार्य की, यानी हिंदी अनिवार्य जो है कक्षा 9 की, उसमें कौन कौन से पार्ट हटाए गए और कौन से शेष रहे हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है, अगर आप और कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, अब यहाँ लिखा गया 2021 के लिए, परीक्षा 2021 के लिए, यानी ये जो है वो 2021 की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, परीक्षा के लिए ये भाग हटा दिया गया। तो सबसे पहले पुस्तक का नाम है व्याकरण, इसमें जो अपठित गद्यांश आता है उसमें दो अपठित जो साहित्यिक अंश है, यानी जो काव्यांश आएगा लगभग 12 से 15 पंक्ति विकल्प सहित, उसको हटाया गया है। दो नंबर दिया गया रचना, इसमें जो संवाद लेखन आता है उसको हटाया गया। फिर है व्याकरण दिया गया, व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें शब्द निर्माण आता है, उपसर्ग प्रत्यय, विशेषण, लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव, ये हटाया गया। इसके बाद जो प्रसर्ग या कारक है ने का क्रिया पर प्रभाव, इसको हटाया गया, ठीक है। तो ये तो व्याकरण वाला अंश, इतना हटाया गया। इसके बाद पुस्तक में आप देखोगे तो क्षितिज जो पुस्तक है जो इसी साल लगी है एनसीईआरटी की, उसमें गद्य खंड में एक तो दो नंबर पार्ट है लहासा की ओर, इसके बाद सांवले सपनों की याद है, फिर नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये है। इसके बाद आप जो काव्य खंड है इसमें वाक, उसके बाद ग्रामश्री, फिर मेघाय और फिर यमराज की दिशा, ये काव्यखंड में पाठ हटाए गए। इसके बाद कृतिका भाग एक में रीढ़ की हड्डी और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया जो है, दो पाठ इसमें हटाए गए, ठीक है। इसके बाद संशोधित जो पाठ्यक्रम अंश है वो इस प्रकार है, अपठित दो अपठित साहित्यिक अंश है, इसमें गद्यांश आ जाएगा आपके 150 से 80 शब्दों का, और उसके अंदर आपको शीर्षक का चुनाव है, विषय वस्तु बोध है, भाषिक संरचना नंबर 6 से 8 अतिलघुरात्मक प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद रचना है जिसमें एक तो निबंध लेखन आ जाएगा और एक आपके पत्र लेखन आ जाएगा। व्याकरण में अंदर आपको एक तो वाक्य रचना, सरल और संयुक्त वाक्य, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द और आपके मुहावरे ये आएंगे। पाठ्य पुस्तक और जो आपके पूरक पुस्तक है उसके अंदर क्षितिज में से क्या आएगा, निर्धारित कविताओं से किन्हीं दो पद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 या 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 6 नंबर के। निर्धारित कविता में से 4 बोधात्मक प्रश्न, 3 प्रश्न आएंगे, 3-4 बोधात्मक प्रश्न में कोई 3 प्रश्न करने होंगे। फिर है निर्धारित गद्य पाठ से किन्हीं दो गद्यांश के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 3 या 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न। फिर गद्य पाठों पर आधारित 4 से 3 बोधात्मक प्रश्न आएंगे। कृतिका जो पुस्तक है उसमें दे रखा है कि 2 निबंधात्मक प्रश्नों में से 1 करना है और 5 लघु उत्तरात्मक में से 4 आपको करने हैं। इसके अलावा जो क्षितिज में बचते हैं पाठ वो है 2 बैलों की कथा, उपभोक्तावाद की संस्कृति, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, 1 कुत्ता और 1 मैना। काव्यखंड में बचेंगे सखियाँ और शबद, सवाइये, कैदी और कोकिला, चंद्र गहना से लौटती बेर, बच्चे काम पर जा रहे। कृतिका में बचेगी इस जल में पर ले, मेरे सन की औरतें और माटी वाले, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का पूरा सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं। और वैसे हमने हिंदी की जो पुस्तक है क्षितिज वो प्रारंभ कर रखी है, लगभग 5 पाठ पढ़ा चुके हैं, तो इन 5 पाठों में से 3 पाठ तो उन वो है जो हट चुके हैं, जैसे लहासा के और सांवले सपनों के यार, नाना साहब की पुत्री व्यसम कर दी गई, वो है। बाकी जो 2 पाठ जो बच्चे हैं क्षितिज के जो पढ़ाने जरूरी थे, 2 बैलंग कथा और उपभोक्तावाद की संस्कृति, वो पढ़ा दिए गए हैं। नेक्स्ट ही और भी हम जो है क्षितिज को और जो भी व्याकरण की जो पोर्शन है इसको हम कवर करेंगे, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के आई बटन में लिंक मिलेगा, उन वीडियो का भी आप उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।